हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मैकेनिक। दिमाग हर व्यक्ति के पास होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वह अपने दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करना भी जानता हो। मशीन हर किसी के पास हो सकती है, मगर मशीन के एक दो इस्तेमाल के अलावा ज़रूरी नहीं कि वो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना भी जानता हो। दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? जी हाँ, वकील, जासूस। और मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? जी हाँ, मैकेनिक। संजय गुप्ता की पेशकश, कहानी विवेक मोहन पटकथा, लेखक तरुण कुमार भाई, चित्रांकन नरेश कुमार, कैलीग्राफी TR राजा, संपादन मनीष गुप्ता। मारुति उद्योग द्वारा जापानी सहयोग कोलैबोरेशन के साथ भारतीय सड़कों के बेहद उपयुक्त नई व अत्याधुनिक तकनीक युक्त कारों के उतारे जाने के बाद कार वाहन उद्योग में अचानक क्रांति सी आ गई है। मगर ये प्रयास अभी थमा नहीं है। भारतीय सड़कों का स्तर और सुधर गया, गड्ढे और बढ़ गए हैं। ऐसी ही सड़कों के लिए अब आ गई है एक ड्रीम मशीन, मारुति कैरोला, जिसके भारत में निर्माण के बाद BMW 750, जगुआर एक्स, J6, रोल्स रॉयस, सिल्वर रूपर, सिल्वर स्पर, होंडा सिविक, लेक्सस GS 300, फेरारी F40, फोर्ड टॉरस, वॉल्वो 850, वॉक्स वॉगन गोल्फ, फीएट पुंतो, होल्डन कमाडोर, रेंज रोवर, मर्सिडीज SL 500, माजदा MX-5 और मित्सुबिशी पेजेरो जैसी शानदार विदेशी कारों की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। ड्रीम मशीन मारुति कैरोला के उद्घाटन के लिए कल किसी विशिष्ट मंत्री के आगमन की पूरी पूरी संभावना थी, इसलिए आज रात्रि के अंतिम पहर में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी छानबीन करने के उद्देश्य से ऑन स्पेशल ड्यूटी भेजा जा रहा था सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील को। मगर कुछ लोगों को कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हर जगह पर अपने आप ही पहुंच जाते हैं। उफ ताक, ऐसे लोग अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं, क्रच, और अपनी हरकतों के भी। मजबूत से मजबूत ताले चाबी ना होने के बावजूद भी ऐसे मौजी लोगों के रास्ते नहीं रोक सकते। उस बेशकीमती कार के सिक्योरिटी अलार्म के भी ऐसी लोग परवाह नहीं करते, उसके बजने पर उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला होता, क्योंकि सायरन का गला घोट दिया जाता है उस पर सायरन से फिट करके, जिससे सायरन की तेज़ आवाज़ चू चू का मुरब्बा बनकर रह जाती है। अब उस कार की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकते थे वो कदम, जिसमें शैतानी थी, षड्यंत्र था। उस तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकते थे वो कदम भी, जिसमें वफादारी थी, सुरक्षा थी। होल्ड ऑन, इंस्पेक्टर स्टील की उस सख्त चेतावनी के जवाब में झटके के साथ ही खड़ा होकर पीछे को घूम गया वह व्यक्ति शायद कोई कार चोर था। बिजली किसी तेजी के साथ उसके हाथ से सरसराया वह स्क्रू ड्राइवर अर्थात पेचकस। पेचकस अवश्य उस सीने पर लाल सुराख बना देता अगर वह सीना हाड़ मांस का बना होता, प्लंक। मगर फौलाद के सीने पर वह ऐसे ही टकरा गया मानो कहीं से उड़कर कोई मच्छर आ टकराया हो। धारा 444 445 के अंतर्गत चोरी की नीयत से अवैध प्रवेश के अपराध में मैं इंस्पेक्टर स्टील तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, चेतावनी सी देता हुआ पिस्टल इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में चमक उठाता। यू आर अंडर अरेस्ट, क्रैच। स्विच ऑन करते ही जो गति बिजली की होती है उसी गति से वह कथित चोर स्टील पर झपटा था। तुम मुझे इस पिस्टल की ताकत पर रोकना चाहते थे, अब रोक कर दिखाना, जबकि ड्रिलर से मैंने तुम्हारे पिस्टल की धज्जियाँ उड़ा दी थी। जवाब में घूमा स्टील का फौलादी हाथ, क्रंच, उफ। ओह, तेरी बॉडी तो लोहे की है, यानी कि तू एक मशीन है और मैं हूँ मैकेनिक। मैंने तेरा अंगूठा छोड़ दिया है जो तुझे ही अंगूठा दिखाएगा। मैकेनिक ने स्टील की उंगलियों के स्क्रू लोहे के चूर्ण में बदल दिए थे, जिसके कारण स्टील की उंगलियाँ उसके हाथ से अलग होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। स्टील का दूसरा हाथ घूमा तो उसका हश्र भी वही हुआ। फिर मिलेंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ, था। 450 किलो वजन को उसकी किक के टच से मस भी न कर पाई थी, जबकि स्टील की किक के उस प्रहार ने उसे काफ़ी दूर तक उछाल फेंका था, ठाक। मगर स्टील की यह ठोकर मैकेनिक के लिए फ़ायदे का सौदा रहा, क्योंकि उसने उसे वहीं पहुंचा दिया था जहां वह खुद पहुंचना चाहता था। इस ठोकर का हिसाब जल्दी बराबर करूंगा स्टील की मशीन। मगर फिलहाल स्टील के लिए उसका पीछा करना उतना ज़रूरी नहीं था जितना अपनी क्षतिग्रस्त हो चुकी उंगलियों को ठीक करना था, रिपेयरिंग फिंगर्स। स्टील ने अपनी कलाई पर फिट कंट्रोल पैनल का न जाने कौन सा बटन दबाया, जिसकी मदद से इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी उंगलियों को ठीक ऐसे ही दबा लिया मानो माला पिरोने के लिए धागे में मोती डाल रहा हो। उतनी पतली छड़ों ने
उंगलियों को इस कदर जकड़ लिया था कि अब इंस्पेक्टर स्टील टूल बॉक्स में से निकाले स्क्रू उस छोटे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपनी उंगलियों पर आसानी से कस सकता था। कुछ ही देर में स्टील अपनी उंगलियों को अपनी हथेली के साथ दोबारा फिक्स कर चुका था। एवरी फिंगर इज ओके पिंच। अब स्टील की निगाहें हॉल में रखी प्रत्येक वस्तु पर फोकस होती हुई जाकर ठहर गई उस ड्रीम मशीन पर। शायद वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मैकेनिक वहाँ क्या गड़बड़ कर रहा था। उसकी कैमरा आंखें ड्रिल मशीन के पुर्जे पुर्जे को स्कैन कर रही थी। एवरीथिंग इज ओके। और जब कार की हर चीज़ ओके थी तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? इंस्पेक्टर स्टील के लिए तो ये रहस्य जानना ज़रूरी था, मगर रहस्य था कि उसे लाग ढूंढने पर भी मिलकर ना दिया। विशेष व्यवस्था के बाद तुरंत ही शटर फिर दोबारा से उसी रात ही लगा दिया गया था। अगले दिन के उद्घाटन समारोह में बीती रात गई घटना की चर्चा तक ना थी। हमारे परिवहन मंत्री रिबन काटने के बाद ट्रायल ड्राइव भी खुद ही करेंगे। इंस्पेक्टर स्टील की निगाह किसी भी आपराधिक गड़बड़ को पकड़ने या रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी, लेकिन गड़बड़ को होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता था। गड़बड़ हुई और ऐसी हुई कि देखने वालों के मुंह से आश्चर्य और विस्मय से भरी चीखें निकल गईं। अरे उफ, ये क्या? ओ गॉड, एक टायर कहाँ गया? एक वहाँ, एक टायर यहाँ गया, एक वहाँ। बॉडी छितरा गई, स्टेयरिंग व्हील हाथ में आ गया, कंट्रोल पैनल अलग जाकर पड़ा, सीटें अलग हो गई, ड्रीम मशीन पुर्जा पुर्जा होकर बिखर गई थी। जबकि वह सारा दृश्य देख रही इंस्पेक्टर स्टील की आंखों में उस वक्त घूम रहा था सिर्फ एक ही चेहरा, मैकेनिक का चेहरा, केवल मैकेनिक। मशीनें बनाना छोड़ दो वरना ऐसे ही हर मशीन का पुर्जा पुर्जा बिखेर दूंगा, मैकेनिक। पुलिस विभाग में इस घटना के कारण गहरी हलचल थी, तीव्र उत्तेजना थी। आश्चर्य की बात है, उस घटना का घटना नहीं बल्कि यह है कि इंस्पेक्टर स्टील भी उस गड़बड़ को स्कैन नहीं कर पाया। ड्रीम कार की जो फजीहत हुई सो हुई, मंत्री जी भी घायल हो गए, उनके दांव पांव व टखने की हड्डियों में गंभीर चोटें लगी। लेकिन अगर इंस्पेक्टर स्टील उस गड़बड़ का पता लगा लेता तो उस नुकसान से समय रहते बचा जा सकता था। मिस्टर अनीस, आपने इंस्पेक्टर स्टील को बनाया, जाइए जाकर पता लगाइए कि कहीं स्टील की आंखों की चमक धुंधली तो नहीं पड़ गई। और मिस सलमा, आपको इसी वक्त इंस्पेक्टर स्टील के साथ इंडिया टावर के उद्घाटन में सुरक्षा का चार संभालना है। एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। यस सर। इंस्पेक्टर स्टील के प्रति कमिश्नर के गुस्से के कारण सलमा की आंखों के भाव पल प्रतिपल बदल रहे थे। जल्दी ही स्टील के चैम्बर में, मेरे आई स्कैनर ने मुझे फॉल्स रिपोर्ट नहीं दी, तब कार का एक नट तक ढीला नहीं था। मैकेनिक ने गड़बड़ कहाँ और कैसे की इसका पता मैं जल्दी लगा लूँगा। जल्दी उसका स्पेशल हेलीकॉप्टर सलमा को लिए उड़ा जा रहा था इंडिया टावर की ओर। इंडिया टावर, देश की सबसे ऊंची यानी 50 मंजिला वह खूबसूरत व आधुनिक इमारत आज राष्ट्र को समर्पित की जानी थी। तुम तल की सुरक्षा का चार्ज संभालो सलमा, मैं छत से चारों तरफ की सुरक्षा का चार्ज संभालता हूँ। सलमा लिफ्ट के द्वारा नीचे की ओर चली गई। इमारत की छत से वह इमारत के अंदर और बाहर दोनों तरफ निगाहें रख सकता था। खुद CM चीफ मिनिस्टर उस इमारत के उद्घाटन अवसर पर मौजूद थे। मिस्टर रघुवंश उन्हें बता रहे थे, सर 50 मंजिला यह देश की सबसे ऊंची इमारत होना ही इस इमारत की विशेषताएं नहीं है। इसे हमने उन सभी सुविधाओं के साथ बनाया है जिसके कारण ये बन गई है इंटेलिजेंट बिल्डिंग। जैसे पूरी इमारत के वातानुकूलन को मास्टर कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया गया, जो इमारत के तापमान को आवश्यकता अनुसार घटाता बढ़ाता रहेगा। रोशनी की ज़रूरत होते ही बल्ब अपने आप जल जाएंगे। आग लगते ही स्वचालित स्प्रिंकलरों द्वारा अपने आप ही पानी का छिड़काव शुरू हो जाएगा। इनमें लगे सेंसरों यानी संवेदकों के कारण दमकल विभाग को फ़ोन भी अपने आप ही हो जाता है। ये इमारत बाहर से चमकीले कांच की दिखती है, इन्हें ग्लास कर्टेंस कहते हैं, जो सूर्य की इंफ्रारेड गर्म किरणों को अंदर नहीं घुसने देते। इमारत के मुख्य दरवाजे के अंदर ही मेटल डिटेक्टर व एक्सरे मशीनें छुपी हुई हैं। अंदर आने वाले को यह आवाज तक नहीं होता कि उसकी तलाशी ली जा रही है। और इस अत्याधुनिक ओटिस 2000 लिफ्ट के तो कहने ही क्या। अरे ओ नो, लिफ्ट को भीषण झटका लगा था। झटका इतना तेज था कि कोई भी अपने पैरों पर सीधा खड़ा नहीं रह सका था। लिफ्ट को अचानक क्या हुआ मिस्टर रघुवंश? मगर बेचारा रघुवंश क्या जवाब देता? जवाब तो यहाँ था, इंस्पेक्टर स्टील के पास, जिसकी निगाहें हर पल ऊपर आती उस लिफ्ट को ही देख रही थी और देख रही थी लिफ्ट के पुलिस वायर को अचानक टूटते हुए, पुलिंग वायर को अचानक टूटते हुए, जिसके कारण लिफ्ट कार 50वीं मंजिल से तीव्र रफ्तार के साथ तल की ओर जा रही थी। पर कटे पंक्षी की तरह बिना पैराशूट के, पैराशूटर की तरह बिना पंखी के, हेलीकॉप्टर की तरह। और जिसे रोकने के लिए उसे अपने टूल किट से निकालना ज़रूरी था इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड, जो चीरता चला गया लिफ्ट के दरवाजे को। चर्र, पुलिंग वायर ब्रेक। हाईरेस्ट वे से नीचे जाती लिफ्ट कार को रोकने का एक ही तरीका था और स्टील भी उसी तरीके का प्रयोग कर रहा था। प्लाम, उसने पकड़ ली थी वह पुलिंग वायर जिसके टूटने के बाद लिफ्ट नीचे गिरी जा रही थी।
फिर उतना ही तेज झटका लगा लिफ्ट कार को जितना पुल एक वायर टूटने पर लगा था। लिफ्ट कार रुक गई, मगर ये रुकी किस प्रकार? कैसे भी रुकी, रुक तो गई बेवकूफ। लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। इंटेलिजेंट बिल्डिंग में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया गया सर, लिफ्ट फ्लोर पर होगी तभी दरवाज़ा खुलेगा। भाड़ में गई तुम्हारी इंटेलिजेंट बिल्डिंग, अरे लिफ्ट ऊपर की ओर खींच रही है। इधर लिफ्ट के डिजिटल हॉल पोजीशन इंडिकेटर पर जमी थी पुलिंग वायर को खींचते स्टील की निगाहें। लिफ्ट कार इज ऑन 30th फ्लोर। डिजिटल हॉल पोजीशन इंडिकेटर मतलब लिफ्ट किस फ्लोर पर है यह दर्शाने के लिए लगा संकेतक। फ्लोर के सामने पहुंचते ही लिफ्ट डोर खुलता चला गया, दरवाज़ा खुल गया। चलो शुक्र है मैं बच गया, वरना कल से 7 दिन का शोक घोषित होता। जबकि इधर इंस्पेक्टर स्टील ने पुलिंग वायर को सीढ़ियों की रेलिंग के साथ जकड़ दिया था, पोजीशन अंडर कंट्रोल, क्लंप, और फिर वह पहुंचा 30th फ्लोर पर। लिफ्ट खाली है, इसका मतलब लिफ्ट में सवार सभी लोग वापस नीचे जा चुके हैं। और यही वह पलता जबकि इंस्पेक्टर स्टील की आंखें लिफ्ट के फर्श पर पड़े उस तय किए कागज़ पर अटक गई थी। उसे खोलकर पढ़ते ही इंस्पेक्टर स्टील के जबड़े मजबूती के साथ आपस में टकराने लगे थे। मशीन बनाना छोड़ दो वरना उसका पुर्जा पुर्जा कर दूंगा, मैकेनिक। तभी वहां पहुंची थी सलमा भी। ओ स्टील, तुम यहां? मैं जानती थी कि टूटने के बाद लिफ्ट अपने आप नहीं रुकी होगी। उसे रोकने वाला एक ही शख्स हो सकता है, यानी इंस्पेक्टर स्टील। मगर ये स्टील ही चेहरा था जिसके भाव अपनी तारीफ सुनने के बाद भी कभी बदलते नहीं थे। अलबत्ता सलमा के चेहरे के भाव उस कागज़ के पुर्जे को पढ़ने के बाद आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो गए थे। ओह, तो ये हरकत भी मैकेनिक की है जिसके कारण कई बहुमूल्य जानें आज खतरे में पड़ गई थी। गुस्से में कांपती सलमा स्टील से बोली, मैकेनिक अभी चुप नहीं बैठेगा, वो अगली कोई हरकत जल्दी ही करेगा, और पता नहीं उस वक्त हमें उसकी उस हरकत का पता चल पाएगा या नहीं। उसकी उस हरकत से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है स्टील। मगर स्टील सिर्फ सुन रहा था बिना कुछ बोले, क्योंकि बोल रही थी विभिन्न संचार व्यवस्थाएं। विकास की ओर एक और कदम। सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आज लगेगा फ्रांस के सहयोग से देश में ही निर्मित सुपर स्पीड इंजन। ट्रेन को हरी झंडी अब से कुछ मिनट बाद ठीक 8 बजे दिखाई जाएगी। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला था सुपर स्पीड इंजन। लीजिए सर, नारियल फोड़कर मुहूर्त कीजिए। नारियल फोड़ा गया, ताक! सुपर स्पीड इंजन के कारण अब 300 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटा ही दूर रह गई थी। विकास की ओर सचमुच ये एक सराहनीय कदम था, मगर कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, न देश के विकास से न अपनी तरक्की से। ऐसे लोगों का काम है विकास की ओर जाते रास्तों को ब्लॉक करना, देश को ऊंचाई पर ले जाने वाली सीढ़ियों को तोड़ना। राजनगर के सभी कबाड़ियों, तुम्हारे दिन अब फिरने वाले हैं, अब यहाँ कबाड़ के ढेर लगने वाले हैं। वो देखो, हरी झंडी दिखा दी गई है, सुपर स्पीड इंजन ने विजिल दे दी है। सुपर स्पीड इंजन ने केवल 7 सेकंड में ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ ली थी। केवल 15 सेकंडों में सुपरफास्ट 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति ले चुकी थी। इधर मैकेनिक की उस ऊंचा पर पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया था। सर, कंट्रोल रूम में मैकेनिक ने फोन पर मैसेज दिया है कि सुपरफास्ट ट्रेन का इंजन पुर्जा होकर बिखरने वाला है, बचा सकते हो तो बचा लो। व्हाट? इंजन व ट्रेन को अब एक ही शख्स बचा सकता था, इंस्पेक्टर स्टील। क्योंकि ट्रेन की गति कितनी भी सुपर हो, स्टील के हेलीकॉप्टर से ज़्यादा सुपर नहीं हो सकती थी। अरे, यह हेलीकॉप्टर हमारी ट्रेन के साथ उड़ान क्यों भर रहा है? और इसमें तो इंस्पेक्टर स्टील है। हेलीकॉप्टर से मेगा फोन पर चेतावनी देने के लहजे में क्या उठा स्टील, ट्रेन को फौरन रोक दो, ट्रेन खतरे में है। मगर नहीं, कोई चेतावनी काम ना आई। इंजन ड्राइवर हालांकि उस चेतावनी के बाद ब्रेक पर झपट पड़े थे, मगर नहीं, उनकी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी थी, क्योंकि उसी पल एक ज़बरदस्त झटके के साथ पूरा इंजन पुर्जा होकर ऐसे बिखर गया जैसे मैराथन रेस जीत कर कोई प्रतियोगी एकदम से धराशायी हो गया हो। ओ नो, इंजन तो छितरा गया था, मगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी जाती ट्रेन अब भी पटरी पर थी और बिना इंजन के थी, और उस निर्माणाधीन पुल के निकट थी जिसके ऊपर से उसे गति कम करके 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरना था। यह जानकारी इंस्पेक्टर स्टील को तब मिली थी जब उसने इंजन के क्षतिग्रस्त हो जाने की खबर कंट्रोल रूम को दी थी। अब बिना इंजन के दौड़ी जाती ट्रेन को रोकने का एक ही तरीका था, मगर उसके लिए इंजन का ट्रेन तक पहुंचना ज़रूरी था। मुश्किल काम था ट्रेन के पुल तक पहुंचने से पहले उसकी गति को कम करना, क्योंकि पुल अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, जिसके लिए हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट करके वह उतर गया था सबसे आखिरी डिब्बे की छत पर, जहां से कपलिंग तक पहुंचने में देर नहीं लगनी थी। आखिर किस प्रकार कम कर सकता था वह ट्रेन की गति को? ट्रेन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन स्टील तो उतर गया था कपलिंग की तरफ, मगर ये गार्ड अब उसी डिब्बे को छत पर क्या करने गया था? पहुंचा था। कपलिंग मतलब दो जगह जहां डिब्बों को जोड़ा जाता है, ना सिर्फ छत पर बल्कि वह तो बंदर की तरह चढ़ा जा रहा था स्टील के ही हेलीकॉप्टर में। शायद हेलीकॉप्टर पर जाकर अपनी जान बचाने की सोच रहा था गार्ड, जबकि इधर शुरू हो चुका था कानून के उस आधे इंसान का काम
जिसके दिमाग की एक एक नस में कानून व मानवता की रक्षा के वचन का लहू दौड़ रहा था, जिसकी स्टील की हड्डियों में अपराध की मौत का जहर भरा था, जिसका एक ही लक्ष्य था कि अपराध के ऊंचे किले को फौलाद की एक ही ठोकर में रेत के ढेर की तरह ध्वस्त कर देना। इस समय भी वो वही कर रहा था। आज तक विमान से उतरे पैरा ट्रूपर्स को ही पैराशूट द्वारा अपनी गिरने की रफ्तार को कम करते देखा था, मगर बड़े ही अद्भुत और आश्चर्यजनक ढंग से सोचा था उसने पैराशूटों का इस्तेमाल ट्रेन की गति लोहे और चुंबक की तरह जकड़ गई थी। ट्रेन ठीक पुल के पास आकर रुक गई थी। अरे इंजन कहाँ गया? स्टील का काम खत्म हो चुका था। उसने अपने कंट्रोल पैनल पर बटन दबाकर अपना हेलीकॉप्टर वहाँ बुला लिया था, जो कि ट्रेन की गति कम होने के कारण आगे तक चला गया था। उसको हेलीकॉप्टर पर चढ़ता देख नीचे खड़ा गार्ड शैतानी मुस्कान मुस्कुरा उठा। हेलीकॉप्टर पर उड़ चढ़ा था स्टील। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। मगर क्या हर चीज़ वाकई कंट्रोल में थी? हरगिज़ नहीं। और इस बात को महसूस करने में स्टील को जितना भी समय लगा वो उसके लिए खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि तीव्र खड़खड़ाहट के साथ हवा में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया उसका हेलीकॉप्टर। फट फट कड़ क्लैक। यह तो शुक्र था कि उस वक्त हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई पर नहीं था, मगर मैकेनिक की आंखों में सफलता की धूर्त मुस्कान काफ़ी ऊंचाई पर थी। ट्रेन तो तूने बचा ली, मगर अपने हेलीकॉप्टर को नहीं बचा पाया। ऐसे ही तेरे भी पुर्जे उड़ा दूंगा। मैकेनिक जो इंस्पेक्टर स्टील के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो चुका था, इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भी थी फर्ज की यह मशीन। उधर मैकेनिक के लिए चुनौती बन गया इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि भले ही मशीनों को उसने तबाह किया था, मगर उतनी तबाही नहीं मची थी जितनी वो चाहता था। इसका कारण था स्टील का वो सिपाही यानी इंस्पेक्टर स्टील। फर्ज की इस मशीन के पुर्जों को कानून के कबाड़ी जल्दी इकट्ठा करेंगे। उसी रात शहर का पावर सप्लाई यूनिट एकाएक धड़धड़ाकर बिखरता चला गया। थॉक! इंस्पेक्टर सलमा और इंस्पेक्टर स्टील को खतरे के बोर्ड पर लिखी दिखाई दे रही थी वो चेतावनी। इंस्पेक्टर स्टील नाम की उस मशीन को मेरे हवाले कर दो, वरना कल सारी बसें खोल डालूंगा और फिर हवाई जहाज़ों को पुर्जा पुर्जा करके डाल दूंगा। मैकेनिक। वह चेतावनी चिंगारी बनकर सलमा के जहन में उतर गई थी। डूबता हमेशा वही है जो तैरना जानता है। यह मैकेनिक भी लाख धुरंधर सही, मगर जिस मशीन से वह टक्कर ले रहा है उसके पुर्जों से खेलने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ मौत हासिल होगी। मैकेनिक के सामने आत्मसमर्पण करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कौन किसको खत्म करेगा इसका फैसला तो अब टकराव से ही हो सकता है, और ऐसे ही किसी टकराव के लिए आज तैयार था इंस्पेक्टर स्टील भी। उसने बसों को खोल डालने की धमकी दी थी, यानी उसे अपनी धमकी को पूरा करने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। बसों का स्टार्ट होकर बढ़ना वहाँ आम बात थी, मगर आज वही आम बात खास हो गई थी, क्योंकि बस बिना ड्राइवर के ही स्टार्ट होकर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी थी। न सिर्फ आगे बढ़ी थी बल्कि स्टील से टकरा कर पुर्जा पुर्जा होकर बिखर गई थी। थड़ाक! उफ! उस वक्त बस के पूरे स्ट्रक्चर व एक पार्ट का ब्यौरा उसका कंप्यूटर उसे दे रहा था। तब स्टील की खोजी निगाहों ने उस कबाड़ में ढूंढा एक जुगाड़। क्लिक! ओ ये क्या है? ऐसा कोई भी पार्ट या यंत्र बस में नहीं लगाया जाता, मुझे इसके चित्र लेने होंगे। पल भर में उस बॉक्स जैसी चीज़ को वह स्कैन करता चला गया था, और तभी लोहे से लोहा टकराने की ज़बरदस्त आवाज़ हुई। टनाक! नजर आया मैकेनिक। गया तू तो गया अब इंस्पेक्टर स्टील। अगली सुबह जो कहर भरी सुबह थी उन लोगों के लिए जो स्टील के अपने थे, जिनके लिए स्टील अपना था, जैसे सलमा। नहीं, ये पुर्जे इंस्पेक्टर स्टील के नहीं हो सकते, ये किसी रोबोट के टुकड़े हैं एसीपी साहब। स्टील को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे कोई पुर्जा पुर्जा नहीं कर सकता। जैसे अनीस, इंस्पेक्टर स्टील का निर्माता, जिसकी आंखें जैसे मैकेनिक की चेतावनी को पढ़ते हुए पथरासी गई थी। मशीन बनाने में अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, मशीनें बनेंगी तो उन्हें ख़त्म करने ज़रूर पहुँचेगा मैकेनिक। जैसे एसीपी, अनीस क्या स्टील खत्म हो सकता है? फौलाद तो कभी ख़त्म नहीं होते ना अनीस। सकते की हालत में खड़ा बड़बड़ा उठा अनीस। स्टील का सारा जिस्म फौलाद का बना है, मगर उसका दिमाग जीवित है और उसे ब्लड उसके इस्पात के दिल से मिलता है, जिससे कि अब उसका लिंक टूट गया है। धड़कों तो मैं दोबारा जोड़ लूँगा, लेकिन अगर 48 घंटे के अंदर उसका सिर उसके धड़ से वापस ना जोड़ा गया तो स्टील खत्म हो जाएगा, उसका दिमाग मर जाएगा, सुरक्षा की एक मजबूत दीवार ढह जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, क्या 48 घंटे में स्टील के धड़ को उसका सिर मिल सका? क्या थी वो चीज़ जिसे स्टील बस के यंत्रों में से उठाना चाहता था? स्टील के सिर को मैकेनिक क्यों साथ ले गया? कौन कितनी और क्या कुर्बानियाँ देने के बाद प्राप्त कर सका फौलाद के उस सिर को जिसके अंदर था एक जिंदा दिमाग? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा करें स्टील के उस स्टीली कॉमिक्स की, जिसका नाम हमने रखा है 48 घंटे। जी हाँ, इसे आप तक लेकर आ रहे हैं सिर्फ राज कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स
48 घंटे में। तब तक के लिए धन्यवाद।